हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक छोटी सी वीडियो लेके, जिसमें हम दिखाएंगे कि आज हम कैसे दाल और चावल और अंडा का भुजिया, ये तीन आइटम कैसे बनाते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा अगली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये मैं दाल और कुछ आलू काट के इसमें डाल दिया हूँ ताकि दाल जल्दी से गल जाए। तो इसको अभी हम गैस पे चढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारा दाल इसमें गैस में चढ़ा दिए हैं दाल को, अभी गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा दाल अभी धीरे धीरे गल रहा है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, पानी गर्म हो चुका है, इसमें अभी हम देखिए ये रखे हैं हल्दी और नमक। अभी हल्दी और नमक डालेंगे दाल में। दोस्तों, अभी इसमें हम हल्दी नमक डाल दिए हैं, तो अभी हम भून देंगे। तो दोस्तों, ये प्याज, टमाटर, लहसुन, मर्चा, इसको हम धो के रखे हैं दाल में तड़का मारने के टाइम पे। इसको दाल में तड़का मारेंगे तो इसको भी हम छोटा छोटा पीस करके काट देंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम काट दिए हैं टमाटर और प्याज, लहसुन, मर्चा, कुछ सूखा मर्चा भी लिए हैं साथ में तड़का मारने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा दाल अभी और थोड़ा टाइम लेगा। दोस्तों, अभी हमारा दाल हो गया है, ये देखिए पूरा गल चुका है। अभी तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पर रखे हैं, देखिए टमाटर, प्याज, मिर्चा, लहसुन, सूखा मिर्चा। तड़का लगाने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। ये तेल 20 से 25 ग्राम के अंदर तेल लिए हैं, और अभी तड़का लगाएंगे दाल को। तो दोस्तों, प्याज थोड़ा लाल हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसमें हम टमाटर ऐड कर दिए हैं, देखिए दोस्तों, अभी तड़का बनकर रेडी है। अभी इसमें दाल को फ्राई करेंगे। इसमें दाल को ऐड कर देंगे। दोस्तों, इसमें हल्दी में डाला हूँ, थोड़ा लाइट की वजह से इसे दिख रहा है। तो हमारा ये बन के रेडी हो गया दाल तड़का। दोस्तों, हम अभी चावल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम दो गिलास चावल में दो गिलास पानी दिए हैं। इसमें से हमको कोई भी थोड़ा सा भी माड़ी निकालने नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही गैस पे वो अपने आप बन जाएगा। बस देखते रहिए अब आगे का कुछ। देखिए दोस्तों, हर चावल अब धीरे धीरे पक रहा है। ये पकने के बाद अब देखिए
पूरा पानी सूख जाएगा इसमें से, कुछ भी पानी नहीं रहेगा, हमको माड़ी नहीं निकलना पड़ता है इसमें, तो माड़ी निकलता है ना, ये माड़ी नहीं निकलना पड़ेगा, ये पूरा डायरेक्ट हो जाएगा, ये टोटल बिहारी स्टाइल है, आप लोग देखिए। ये देखिए दोस्तों, पानी अभी धीरे धीरे सूख चुका है इसमें से, और चावल धीरे धीरे पक रहा है अभी, आप देख सकते हैं। मेरे को माड़ी टोटल निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए, चावल बनकर रेडी है, कल पानी सूखना बाकी है। देखिए दोस्तों, हमारा चावल अभी बन के रेडी है, देखिए थोड़ा सा भी माड़ी नहीं है इसमें, बन चुका है चावल पूरा। अभी हम बनाने जा रहे हैं अंडे का भुजिया, तो ये देखिए हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गरम हो गया, अभी इसमें तेल डालेंगे, ये हम तेल डाल दिए, अभी इसमें तेल गरम हो चुका है, अभी इसमें हम मिर्चा डालेंगे, हरा मिर्चा, फिर प्याज डालेंगे, और उसमें टमाटर भी डाल देंगे। दोस्तों एक थोड़ा लाल हो गया है, तो अभी इसमें हम थोड़ा नमक और थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा हल्दी मिलाएंगे, देखिए दोस्तों इसमें हम हल्दी जीरा पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा मिला दिए हैं, ताकि टेस्ट और बढ़ जाएगा भुजिया का, साथ में नमक भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों ये हो गया है, अभी हमारा प्याज और टमाटर गल चुका है, तो इसमें अभी दो अंडा तोड़ के डालेंगे, देखिए दोस्तों ये हम अंडा तोड़ के डाल दिए हैं इसमें, अभी इसको अच्छे से मिला देंगे धीरे धीरे, भुजिया अभी धीरे धीरे हो गया है, देखिए भुजिया अभी रेडी है बन गए, ये देखिए। तो ये रहा दोस्तों अंडा का भुजिया, ये रहा चावल, ये दाल, आप देख सकते हैं दोस्तों आज का बनाया हुआ रेसिपी, दाल तड़का, अंडा का भुजिया और चावल। तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक प्लीज़।